अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप इंस्टेंट गीज़र को गैस की जगह एलपीजी गैस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जिसे सिलेंडर कहते हैं, सिलेंडर से अगर आप गीज़र को चलाना चाह रहे हैं, तो एक ही गीज़र को आप दोनों जगह पे कन्वर्ट कर सकते हैं, घर के गैस पर भी और सिलेंडर पर भी आप उस गीज़र को चला सकते हैं। घर वाला गैस वो होता है जो आप गवर्नमेंट से हासिल करते हैं, उस गैस पर सर्दियों में गैस की अक्सर लोड शेडिंग हो जाती है, तो गीज़र का बहुत मसला होता है, गैस ना होने की वजह से आपको गर्म पानी नहीं मिलता, और उसी गीज़र को आप सिलेंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत इजी तरीका कार है, आप मेरी वीडियो देख के अपने गीज़र को कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगा बैक कैमरे से, बहुत आसान तरीका कार है। अगर आप दूसरी तरह भी उसे चलाना चाह रहे हैं तो जेट को दोबारा फिर वही लगा दें, तो आप घर वाले गैस में चला सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और दोस्तों से शेयर ज़रूर कर दें, साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अगर आपके इंस्टेंट गीज़र का कोई और मसला है तो मेरे प्ले लिस्ट में जाएँ, इंस्टेंट गीज़र के नाम से प्ले लिस्ट है, आप वहाँ पर मेरी वीडियो देख के अपने गीज़र का हर मसला हल कर सकते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ बैक कैमरे से, थोड़ा सा गाइड कर दूंगा, बाकी वर्किंग आप खुद कर सकते हैं, इतना मुश्किल काम नहीं है। ये देखें, ये वाला बर्नल होता है जो इंस्टेंट गीज़र के अंदर होता है, इसे खोलना इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको ये खोलने नहीं आ रहा तो आप प्लेलिस्ट में इंस्टेंट गीज़र के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे इसे खोलना सीख सकते हैं। लेकिन ये बहुत ईजीली है, जिस जगह पर मैंने ये अपनी फिंगर रखी हुई है, ये दो नट लगे होते हैं, आपने ये दो ये इस जगह पे लगे होते हैं, वो आपने किसी भी टेस्टर पेचकश के साथ ओपन कर लेना, ये बाहर आ जाएगा। और आप जेट चेंज करना चाह रहे हैं तो ये वाल के साथ दो पेच लगे हैं, ये दो पेच आपने ओपन करने हैं, और दो पेच ये सामने ये देखें, एक पेच इधर लगा है, दो पेच उधर लगे हैं, ये आप दोनों पेच उधर वाले और इधर वाले जब ओपन करेंगे तो ये वाला हिस्सा बाहर आ जाएगा। और इसके छः जेट लगे हुए हैं, वो आप बहुत ईजीली किसी प्लास के साथ खोल के और नए लगा सकते हैं। कन्वर्ट जिस जगह भी करना चाह रहे हैं, घर वाले गैस पे या एलपीजी गैस पे, लगाने के बाद ऐसे ही आपने लगा देना जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत आसान तरीका कार है। थैंक यू, योर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।